हापुड़ से इस वक्त की बड़ी खबर, अवैध रूप से मावा बनाने की फैक्ट्री में बोरल फटा, 20 लोग हुए घायल। हमने दो दिन पहले ही इन अवैध फैक्ट्रियों के बीच पर चलाई थी खबर, नहीं जागा प्रशासन, हो गया बड़ा हादसा। हापुड़ क्षेत्र में अवैध रूप से चल रही एक मावा फैक्ट्री में बड़े पैमाने पर मावा बनाते भट्टी का बोरल फटने से वहां काम कर रहे कर्मचारियों में भगदड़ मच गई, जिससे लगभग 20 लोग घायल हो गए। घटना की सूचना मिलने पर सैकड़ों ग्रामीण व पुलिस मौके पर पहुंच गए और घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। जानकारी के अनुसार थाना हाफिजपुर के गांव बड़ौदा सिहानी में एक मकान में अवैध रूप से एक मावा फैक्ट्री लगी हुई है, जिसमें बड़े पैमाने पर मावा बनाने का कार्य किया जाता है। आज तड़के फैक्ट्री में बड़े पैमाने पर मावा बनाने का कार्य चल रहा था, तभी भट्टी का वायरल फटने से परखच्चे उड़ गए और उसमें काम कर रहे 20 लोग घायल हो गए। धमाके की आवाज सुनकर आसपास के सैकड़ों ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी निरीक्षक धर्मेंद्र सिंह भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आरिफ नाम है जी। अच्छा, गांव में जो हादसा हुआ है, बता रहे टंकी फटी है, कोई क्या मामला है, कितने लोग इसमें घायल है? इसमें सर कम से कम 17-18 मतलब 3-4-5 तो बड़े हैं और 13-14 बच्चे हैं। और साहब यहाँ एक मावा भूनता है, पंडित जी हैं, ठीक है, वो बॉलर से भूनते हैं। अच्छा। ये तो पता है नहीं, वो नादान सादान से उन्होंने लगा रखे हैं। अब साहब ये वहाँ से उड़ के इसमें स्टीम ज़्यादा हो गया, तो जब आया है ये कम से कम 1 टन का है साहब। अच्छा, बता रहे तो ये मकान भी जो क्षतिग्रस्त हैं, किसके हैं ये मकान? ये हमारे ताऊ ननवा हैं, उनके बेटे हैं हारून। और इनके ताऊ ननवा ना, ताऊ मकसूद नहीं, इमरान। हाँ, ननवा का इमरान, ताऊ ननवा के इमरान हैं ये। और इनके तो पूरे परिवार के चोट है, बहुत ज्यादा गंभीर हालत है। टोटल कितने लोग घायल हैं इसमें? टोटल साहब इसमें 17 लोग हैं। अच्छा, तो मकान कितने क्षतिग्रस्त हुए गाँव में? ये मकान हुए साहब इसमें 4-5 मकान है साहब। 5 मकान है। सभी अस्पताल भेज दिए गए हैं? हाँ जी, सभी अस्पताल भेज दिए गए हैं। उसमें बच्चे कितने इसमें घायल हो गए? बच्चे हैं जी सर इसमें 13 बच्चे। अच्छा। अरे, थाना हाफिजपुर क्षेत्र गांव बड़ौदा सिहानी में बॉयलर फटा है, क्या मामला, कैसे हादसा हुआ, कितने लोग इसमें घायल है? विनीत शर्मा है, सनाफ स्वर्गीय निरंजन शर्मा, गाँव बड़ौदा सिहानी, थाना हाफिजपुर। आज सुबह 8 बजे उनका एक दूध का प्लांट है जहाँ मावा बनाया जाता है, उसमें एक दुर्घटना घटी और जो उसका बॉयलर था वो जाकर के एक हारून है उनके घर पर करीब 300 मीटर दूरी पर गिरा। इसमें कुल 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हैं। सबसे पहले पुलिस ने उनका रेस्क्यू करते हुए हॉस्पिटल भिजवाया है। 11 लोग मधु हॉस्पिटल में एडमिट हैं, 4 लोग देवनंदिनी में, 1-2 लोग और हैं जिनको अभी भेजा गया है। फिलहाल जो डॉक्टर से हमारी बात हुई है सभी आउट ऑफ डेंजर हैं, उनका अच्छे से अच्छे उपचार चल रहा है। घटना किन कारणों से हुई, इसका तकनीकी कारण क्या है, विशेषज्ञों की टीम अभी आ रही है, उन्हें सूचना दे दी गई है, उसके बाद ही बताया जा सकेगा।